तुमसे थोड़ी देर भी सबर नहीं होता क्या? उमर एक मिनट होल्ड करो। अरे बंद करो ये फोन। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था कमरे से बाहर नहीं निकलना। हाँ तो मैं कमरे से बाहर कहाँ निकली हूँ? अरे मेरी बेटी के सुसर ने तुमको देख लिया। मैं तो बस खिड़की तक ही गई थी। ओहो खिड़की तक तुम गई क्यों? तो मैं क्या करती, मेरा दम घुट रहा था। मैंने उमर से पूछा कि मैं क्या करूं, तो उमर ने मुझसे कहा खिड़की के पास जाके मुझसे बात कर लो। क्यों? क्योंकि उसने भी अपने कमरे की खिड़की खोली हुई थी। ये तो मैं इस घटिया रोमांस से तंग आ गया हूं। चलो यहां से। अब आप मुझे कहां छुपाने ले जा रहे हैं? ओहो चलो तो सही। तुम यही रहना। लेकिन मुझे कपड़े चेंज करने हैं। क्या? नहीं मुझे इन कपड़ों में उलझन हो रही है। अरे ये मत करना। क्यों? क्योंकि वो सब तुम्हें रूह समझ रहे हैं। तो आप उन्हें बताइए ना कि मैं रूह नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ। दिमाग खराब नहीं है मेरा? अरे अभी कम से कम मुझे ये उम्मीद तो है कि तुम्हें रूह समझ कर वो यहाँ से डर के जल्दी चले जाएंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम रूह नहीं हो तो यहाँ वो 2-3 महीने रुक कर फिर जाएंगे। हमारा हनीमून बर्बाद हो जाएगा डार्लिंग। प्लीज मेरी खातिर, बस आज रात की बात है, इनको इतना डराओ कि ये यहाँ से भाग जाए। अगर इन लोगों को डरा के ही भगाना था तो मुझे रूह बनाने से बेहतर था कि आप ही जिन बन जाते। पापा जी मेरा ख्याल है नबील आ रहा है, मैं यहाँ से जाता हूँ। पापा जी पता नहीं कहाँ चले गए। पापा जी वो किसी काम से कहीं बाहर गए हुए। माँ जी माँ जी माँ जी। अरे सुनिए मेरी बात तो सुनिए। क्या बात है? अरे इधर तो आइए। क्या? मैं इतनी बोर हो रही हूँ, कोई बात करने वाला भी नहीं है और उमर भी फोन नहीं उठा रहा। लगता है उसकी अम्मी आ गई होंगी। प्लीज आप मेरे साथ थोड़ी देर बैठ के बात कर लें। मैं रूहों से बात नहीं करता। क्यों? मुझे डर लगता है। अरे मैं वो वाली रूह नहीं हूँ। फिर कौन सी रूह हो? मैं तो वो रूह हूँ जिससे रूह को तस्कीन मिलती है। आइए ना बैठ के बात करते हैं। आप ना मुझे रूह लग नहीं रही है ना। मैंने कहा था लेकिन वो मेरी बात ही नहीं माने। कौन? हाँ हाँ कौन नहीं माने मेरी बात? पता नहीं। अच्छा छोड़िए ना। आप यहाँ कब से? लॉन में। नहीं नहीं इस घर में। 300 साल हो गए। लेकिन आपकी उम्र इतनी लगती नहीं है। थैंक यू। आपको इंग्लिश भी आती है? हाँ कभी कभी आती है। आप इन कपड़ों में क्यों हैं? मैं अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही हूँ। हाँ आपकी तो शादी हो चुकी है ना? हाँ लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो रूह है ना। नबील आया जानू। अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलेंगे। ओके बाय बाय बाय। नबील महमूद साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें और उस रूह को छुप छुप के देख रहा था। शर्म आनी चाहिए महमूद साहब आपको, आप लोगों की डेटे पकड़ दी। अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए नबील। मैंने क्या किया? अरे घटिया से घटिया आदमी भी कम से कम जिंदा लड़की को फंसाता है और तुम मुर्दा लड़की से डेटे लगा रहे हो। लड़की मुझ पे मर मिटी है। खुदा को मानो नबील वो रूह है रूह। अरे महमूद साहब वो खतरनाक रूह रही है, बड़ी क्यूट रूह है। अब मैं क्या करूं महमूद साहब, अगर वो पहली नजर में मेरी दीवानी हो गई है तो? जो पहली नजर में जिसकी दीवानी हुई है वो तुम हो। हाँ जी, और खबरदार जो आइंदा आपने मुझे छुप छुप के देखने की कोशिश की, हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छे मूड में हो। ये लाइन से अगर आप आगे आए ना तो कबूतर बन जाएंगे। गदा कहीं का। क्या हो गया फीस? अरे मैंने अभी अभी उस रूह को तुम्हारे बच्चे के साथ देखा है। हाय वो रूह मेरा बच्चा उठा के ले गई है, मेरा लोया। हाय मेरा लोया। माँ जी लोहा नहीं सोना। हाँ हाय सोना, रूह को चकमा देकर आ गया मेरा बच्चा। अरे मोमो मैं इसकी नहीं नबील की बात कर रहा हूँ। कौन नबील? अरे तुम्हारा बड़ा बेटा, वो नीचे लॉन में उस रूह के साथ रोमांस कर रहा है। अच्छा वैसे। अरे मोमो खुदा के लिए कुछ करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो रूह तुम्हारे बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाए। चल पुत्र तू चुपचाप इधर बिस्तर पे सो जा। अच्छा खबरदार जो बाहर निकलने की कोशिश की हो तुमने तो। माँ जी मुझे सोना है, मुझे अभी खेलने जाना है। अरे इसको नहीं नबील को रोको भाई। हाय आओ।
काश तुम इंसान होती। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरा मतलब है काश तुम जिंदा होती और काश तुम मुर्दा होते। मेरे ख्याल में ऐसे ही ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं बेताब हूँ। और मैं बेचैन। मेरा मतलब है मेरा नाम बेताब है। बहुत सूट करता है तुम्हारी पर्सनैलिटी पर। थैंक यू। तुम कब तक यहाँ भटकती रहोगी? आप लोग यहाँ कब तक हैं? तुम कहो तो मैं सारी जिंदगी रुक सकता हूँ। कमीनी छड़ दे मेरे पुत्र नू। माँ जी इसका नाम बेताब है। इसीलिए तू इतना बेकरार है, खबीस, कमीने, बेहया। माँ जी चुप है। आज मैं इस जिस्म को जला के भस्म कर दूंगी। जिस्म नहीं रू। हाँ हाँ वही। अरे मोमो जल्दी से मंत्र पढ़ के इसे भगा दो। अभी भगाती हूँ। जल्दी करे माँ जी। हाँ बस अभी पढ़ती हूँ मंत्र। क्या हुआ माँ जी? पुत्र मंत्र तो मैं भूल ही गई हूँ। क्या? हाँ। अरे मेरी बात तो सुनो। ऐसे ही तुमसे डर रहे हैं। अरे बस यहाँ से चलो। अब कहाँ मुझे छुपाने ले जा रहे हैं? हाँ हाँ तुम चलो तो सही। आप एक काम करें, आप मुझे मेरे घर ही छोड़ दें। क्या? आप मेरी बेताब रू को कहाँ लेके जा रहे हैं? मुक्ति दिलाने। अरे इसे मुक्ति मैं दिलाऊंगा। अरे हटो यहाँ से। मुक्ति तो मैं इसको दिलाऊंगी बच्चू। अरे ये आप क्या करेंगे? मैं इसकी बाई आंख में चाकू मार के इसको भगा दूंगी इधर से। दाई आंख? हाँ मैं इसकी दाई आंख में चाकू मार के ना बाई आंख को भगा दूंगी। अरे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे यहाँ से भगा के ले जा रहा हूँ। मेरा मतलब है भगा रहा हूँ, भगा रहा हूँ। आपने अपना पेट सामने से हटा ले वरना लॉन में गंद फैल जाना। नहीं नहीं। ओए मैं इस बदरू को छोड़ूंगी नहीं। अरे ये कोई रूबू नहीं है, मेरी बीवी है। क्या? हाँ मैंने इससे आज शादी की है। माँ जी ये रू पापा जी में चढ़ गई है, इनकी धुन्नी में चाकू मारे। ले फिर। इस मुल्क में इतने हराम खोर है कि तुम 6000 साल तक गिनोगे तो तुम ख़त्म हो जाओगे, मगर हराम खोर ख़त्म नहीं होंगे जो हमारे मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह चाट रहे हैं। इस दुनिया में ज़मीन और आसमान पे जितने मखलूक हैं उससे ज़्यादा समंदर और पानी में हैं, चाहे वो नाले, नाली या गटर में हों, कीड़ों की सूरत में या परिंदों की सूरत में। ऐसे ही एक कीड़े ने ऊपर वाले से फरियाद की कि कब तक वो कीड़ा बनकर गटर में ज़िंदगी गुजारेगा, उसे इंसान बना दे ऊपर वाले। ऊपर वाले ने सुनी और वो इंसान बन गया।